हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ नींबू के अचार की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी। ये वाला नींबू का अचार टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद भी होता है। अपने साथ आप इसको बना कर कई सालों तक यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इसमें मैंने बिल्कुल भी तेल का यूज नहीं किया है और मसाले भी बहुत ही कम यूज किए हैं। तो चलिए हम बहुत ही टेस्टी नींबू के अचार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 kg यानी 500 ग्राम्स नींबू लिया है। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके इसे कपड़े से ड्राई कर लिया है। नींबू का अचार बनाते समय हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि हम जो नींबू ले रहे हैं वो काफी रस वाले हों और उसके छिलके भी पतले हों। अब हम नींबू को कट करेंगे। कट करने के लिए हम एक नींबू लेंगे और इसे इस तरह से 8 पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आपको अचार के बड़े पीसेस पसंद हैं, तो आप एक नींबू को 4 पीसेस में कट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक नींबू को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो बीज दिखाई दे रहा है, इसे हम निकाल लेते हैं। आप चाहे तो ये वाले प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम खाने के टाइम पे भी इजिली निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये ऊपर ऊपर के बीज निकाल दे रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी सारे नींबू को भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारे नींबू को कट करके इसके बीजों को अलग कर लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक 1/2 कप, लगभग 100 ग्राम। नींबू के अचार में नमक का यूज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि नींबू काफी खट्टा होता है और नमक इसके खट्टेपन को अच्छे से बैलेंस करता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको अचार थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो आप यहाँ पे लाल मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सौंफ, अजवाइन, मंगरेला और मेथी दाना भी डाल सकते हैं, बट मुझे पर्सनली नींबू का अचार ऐसे ही पसंद है, तो मैं यहाँ पे वो सब मसाले नहीं डाल रही हूँ। तो ये हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे 4 से 5 दिनों तक इसी तरह से धूप में रख देंगे। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, तो भी आप इसे बना सकते हैं, बस इसे बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हम हर 1 से 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा उलट पुलट करते रहेंगे, मतलब इसे चलाते रहेंगे। तो लगभग 5 दिनों बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये अचार कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं नींबू का छिलका काफी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे एक साफ सुथरे कंटेनर में डाल देंगे। अगर आपके पास कांच के कंटेनर है, तो अचार को आप उसी में रखें और ध्यान रखें कि कंटेनर एकदम सूखा और क्लीन हो। अब हम इसे 8 से 10 दिनों तक और धूप में रख देंगे, या फिर जब तक आपका नींबू का अचार अच्छे से गल नहीं जाता, तब तक इसे धूप में रखेंगे। बीच बीच में हम इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे। 8 से 10 दिनों बाद अचार का कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा और नींबू का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। और ये अचार कई सालों तक खराब नहीं होगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप इसे जिस भी कंटेनर में डालकर रख रहे हैं, उसे आप बहुत अच्छे से धोकर धूप में सुखा कर लें, और जब भी आप इसे निकालने के लिए स्पून का यूज करें, वो भी एकदम साफ और ड्राई होना चाहिए। तो बस ये आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो आप भी बनाइए ये बहुत ही नींबू के अचार की रेसिपी। आई एम श्योर आपको भी ये काफी पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।